दोस्तों गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में आईपीएल 2023 का सातवां मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले को गुजरात टाइटंस ने 11 गेंद पहले ही 6 विकेट से जीत लिया। दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात टाइटन टीम के सामने 163 रनों का लक्ष्य रखा था। जवाब में गुजरात ने यह लक्ष्य 18.1 ओवर में ही पूरा कर लिया और दिल्ली को 6 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा। गुजरात टाइटंस ने यह मैच दिल्ली को घर में घुस के हराया है। आइए जानते हैं पूरी हाइलाइट्स। दोस्तों डेविड वार्नर और हार्दिक पांड्या टॉस के लिए आए। हार्दिक ने टॉस जीत लिया। हार्दिक ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। दिल्ली की बैटिंग मालगाड़ी की तरह स्टार्ट हुई और लगातार झटके लगते रहे, पर किसी न किसी तरह दिल्ली की पारी 162 रन बनाने में सफल रही। डेविड वार्नर ने 32 गेंदों में 37 रन बनाए और उप कप्तान अक्षर पटेल ने 22 गेंदों में 36 रन ठोके। सरफराज खान ने 30 और अभिषेक पोरल ने 20 रन बनाए। दोस्तों दिल्ली की कमर तोड़ी शमी और राशिद खान ने अपनी घातक गेंदबाजी से। दोनों ने 3-3 विकेट लिए और अलजारी जोसेफ को 2 विकेट मिले। दोस्तों 162 रन का आसान लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात शुरू से ही डर डर के खेलने लगी। एंड्रिक नौरखिया और खलील अहमद की आग उगलती गेंदों से गुजरात की बोलती बंद हो गई, जिस वजह से रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल 14-14 रन बनाकर आउट हुए और हार्दिक पांड्या भी कोई ज़्यादा कमाल नहीं कर पाए, सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों एंड्रिक नौरखिया ने 2 विकेट, खलील अहमद और मिचेल मार्श ने 1-1 विकेट लेकर गुजरात की हवा निकाल दी। पर दोस्तों क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, कब बाजी पलट जाए कोई नहीं जानता। इसके बाद जो हुआ वो आप सोच भी नहीं सकते। पर उसके बाद आया डेविड मिलर, साई सुदर्शन और विजय शंकर का तूफान। साई सुदर्शन के नाबाद अर्धशतक से गुजरात ने ये मैच 6 विकेट से जीत लिया।